Hi, welcome to Back to Back my YouTube channel. My name is Kalsum Arshad. और क्या हाल चाल है आपके, आप कैसे हैं, ठीक है? और आज का और मैं और जी आज मैं आपको कुछ जैसे दिखाने लगी हूँ जो मुझे मेरे फेवरेट ट्रेंड्स, और मैं आज आपको इतनी अच्छी चीज़ें अपना दिखाऊंगी जो मैंने न्यू ड्रेस बनाए हैं, और आप लोग मुझे देख के बताइए जैसे कैसे हैं। और जी मेरा बेटा अभी अपने पापा के साथ बैठ गया, और वो मेरे हस्बैंड थोड़े बीमार थे और वो अपनी दवाई लेने के लिए गए, साथ में अपने बच्चों को भी ले लिए हैं। और मैं अभी मैंने सोचा मैंने कहा वीडियोस बना लूँ। और जी और आपसे क्या बोलूँ, और ये देखें जी अभी मैं आपको अपना ड्रेस दिखा, और इस टाइम में अपने रूम में हूँ और रूम में आके मैं वीडियोस बना रही हूँ। और ये देखें जी मैंने इस टाइम अपना न्यू ड्रेस बनाया, ये देखें, और ये हूँ मैं, और ये देखें जी, ये देखें जी, ये आपको नज़र आ रहा, ये देखें जी, ये है जी, ये है जी, ये देखिए, ये देखें जी, ये है जी ट्राउजर जो ये सिल्क का बना हुआ है, और साथ में ये फ्रॉक है जो आपको नज़र आ रहा है जिसके ऊपर कढ़ाई भी हुई है और तारे वगैरह भी लगे हुए हैं, तारों का काम हुआ है, बाजू पे लेस वगैरह लगी हुई है। और ये देखें जी, और इस साइड से आ जाते हैं ये है दुपट्टा जो आपको नज़र आ रहा है, और दुपट्टे के साइड पे कढ़ाई हुई है, तो ये देखें तो आपको नज़र आ दुपट्टा जो सही है दुपट्टा। और ये है जी एयरलाइन शर्ट फ्रॉक टाइप बनी हुई है, और ये है जी ट्राउज़र जो सूट का बना हुआ, और ये है जी इसके नीचे जूते जो मैं हमेशा ये वाला हेड शर्ट में मुझे ऐसी जूस बहुत पसंद है, और मैं ये वाली इसके नीचे ये वाली जूस पहन, ये मेरी शादी की मदद के निकाह की थी, और ये मेरे निकाह के सूट के नीचे थी, तो उसके बाद मैंने अभी तक पहना भी नहीं है, जैसा ये मेरा न्यू जूता पड़ा हुआ है। और अभी देखिए ये मैंने इसके साथ लिया है, इसके साथ पहने, देखिए आपको नज़र आ रहा होगा ये माई न्यू ड्रेस। और जब मैं ये पहनूँगी फिर मैं आपको दिखाऊँगी भी, और आपको पहन के दिखाऊंगी भी, और तैयार भी होके दिखाऊंगी कि मैं इसकी कैसी लगती हूँ, ठीक है? अभी तो फिलहाल हम लोगों ने कहीं भी नहीं जाना, और ये है कि हम लोग मैं आज अपने रूम में जाकर वीडियो बना रही हूँ। और आपसे क्या शेयर कर, और जी मेरे पास बहुत से ड्रेस हैं जो अभी मैंने आपको नहीं दिखाए, और मैं ऐसे ऐसा करके अपने आपको अपने सारे न्यू ड्रेस दिखाऊंगी जो मेरी शादी के 5 साल हो गया, और अभी तक मेरी न्यू ड्रेस पड़ी, और क्या नाम है, अभी तक न्यू ड्रेस पड़े, जब वो मैं खोलूँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी न्यू ड्रेस, और साथ में जूलरी भी दिखाऊंगी, और चूड़ियाँ वगैरह और जो कुछ भी है मेरे पास मैं आपको सब कुछ दिखाऊँगी। और ये है जी मेरी छोटी सी LED, और ये बात बहुत सी बातें हैं जो मैं सिर्फ अपने रूम में रह के आपको दिखाती हूँ, जो मेरे पास चीज़ें हैं उनकी वीडियोस बना के मैं आपको वो दिखाती रहती हूँ। और अभी मैं बाहर नहीं गई, जब मैं बाहर जाऊँगी तो मैं आपको तभी वीडियो बताऊँगी। और ये देखें जी ये मेरी ड्रेसिंग की अलमारी है, जो सिर्फ ये
अभी आगे वाली साइड में इसका शीशा आ रहा है, देखते हैं आपको नज़र आ रहा होगा। ये है मेरी ड्रेसिंग वाली अलमारी और ये है इसका दरवाज़ा खोलो तो फिर बीच में ऐसी है। अभी मैंने सेटिंग करके कुछ भी नहीं रखा हुआ, बस ऊपर नीचे बच्चों की दवाइयाँ पड़ी हैं, कुछ वैक्सीन पड़ी हैं, कुछ क्लिंजर, कुछ चूड़ियाँ वगैरह आदि चीज़ें इधर मैंने रखी हुई हैं। और जब मैं अब हम इसको बंद कर देती हूँ और मेरी बहुत कोशिश है कि मैं अपना नहीं फर्नीचर बनाऊँ और मैं बहुत जल्द अपना बस मैं अलग से ही मांगती हूँ, अलग से दो मैं ये मांगती हूँ अलग मुझे अपना था कि मुझे इसकी बहुत खूबसूरती से देखा और बहुत। और मैं आपसे भी बस ये कहना चाहती हूँ कि इस सैलाब जो सैलाब आए उसमें काफ़ी लोग गए हैं जिनका नुकसान हुआ है, मुझे उससे मुझे बहुत दुख है इस चीज़ का। बस अल्लाह पाक किसी को इस तरह मदद करे, दुनिया में जो गुनाहगार लोग हैं वो बीत जाते हैं, कोई कह दें कि कोई किसी को जुल्म कर रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को क्या क्या, इस माशरे में सब कुछ हो रहा है। और ये हमारा पाकिस्तान है जो आजकल लोग किसी को भी अच्छे से नहीं देख सकते। और ये है कि बस दिल्ली भी में हमें अल्लाह पाक से ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक सब इंसानों का अपने हिस्सा रखे और किसी को इस तरह सलाबी मौत और इस तरह मत दे, अल्लाह पाक सबको अपनी हिफाजत में रखे। और आज की वीडियो अगर आपको हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर दबाएं और शेयर करें और कमेंट करें। और अब हम मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में।